तो यहाँ पर हम इस तरह से वीडियो शूट करते हैं। यहाँ पर ऊपर जो है ये 50 वोल्ट की LED लाइट लगी हुई है, जिसको मैंने जुगाड़ से लगाया हुआ है, और इस जगह पर लाइट पड़ती है, और यहाँ पर इस टेबल पर इस स्टैंड की मदद से मैं शूट करता हूँ। इस पर मैं मोबाइल होल्ड करके यहाँ पर शूट करता हूँ। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा एक पुराना प्रोजेक्ट है, इसको मैंने ऐसा देखा है, तो इस तरह से वीडियो शूट करने पे यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा रह रहा है। तो इस वीडियो में मैं एक और जुगाड़ करूँगा, जिसकी मदद से इस वाले पार्ट को भी मैं अच्छे से वीडियो में दिखा पाऊँ। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टैंड को टेबल पर से निकाल के ले आए हैं, और यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, उधर से एक बोल्ट को हम कुछ इस तरह से निकाल देंगे। तो ये जुगाड़ होने के बाद जो मेरे वीडियो की क्वालिटी है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएंगी। तो इस जगह पर हम एक होल्डर को लगा लेंगे, यहाँ पर होल्डर में वो बोल्ट के जितना हम होल्ड करके उसको वापस उसी की जगह पर लगा लेंगे, और होल्डर है उसके साथ हम वो बल्ब का कनेक्शन कर देंगे। सिंपल एक छोटा सा जुगाड़ है, जिसकी वजह से मेरी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी, पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये वाला बल्ब लगा देंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो इस तरह से आपको लगा लेना है, सिंपली हम मेरा टेबल है उसके ऊपर मैंने इस तरह से लगा दिया है। ये थोड़ा सा ऐसे लूज होना चाहिए, जिसकी वजह से आप इसका एंगल चेंज कर पाओ। तो यहाँ पर अब मैं वीडियो में दिखाता हूँ, तो ये वाला जो डार्क वाला एरिया है उसको ऑन करने पर ये ब्राइट हो गया है, जिसकी वजह से अभी जो मेरे वीडियो की क्वालिटी है और आपको दिखाने के लिए बढ़ जाएगी।